Hello and very very greetings to all the aspirants. My name is Kuldeep Singh and welcome back to the channel. हम लोग बात कर रहे हैं how to write good essay for UPSC mains examination. And guys, this is the third session. So पहले दो session में भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि essays को किस तरह से आप अच्छा लिख सकते हो, especially जो आजकल UPSC essay पूछ रहे हैं, that is mostly philosophical essays. तो इसमें क्या चीज़ें करनी है, क्या nitties and gritties हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में आ रही होगी. एंड आई एम श्योर अगर आप ये essay सीरीज को फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट 15 प्लस मार्क्स इन योर एस्से पेपर. एंड ये जो है आपको हेल्प कर सकता है इन गेटिंग और स्कोरिंग अ बेटर रैंक गाइस. सो आज का जो है तीसरा सेशन रहने वाला है और यहाँ पे मैं जो है कुछ एग्जांपल्स लेके चलूंगा अपने एस्से के लिए. विल बी टॉकिंग अबाउट एन एस्से और वहां पे जो है आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स और सम पॉइंट्स कि भाई आप इस एसे को किस तरह से लिखो. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सुन रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपना एसे लिख के एक पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, इन विच आई एम गोइंग टू चेक एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल रिव्यू कि आपको क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए गाइस. सो चलिए फटाफट से करते हैं स्टार्ट. और आज स्टार्ट करने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. सो बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट है यूपीएससी के रिगार्डिंग. जो एसेज मैं आपको बता रहा हूँ उनके फुल राइटर्स भी जो है मैं आपको वहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप उनको देखिए जाके. एंड जैसे कि आपको पता है कि भाई कुछ ऐसे किस तरह के आ रहे हैं, सारे ऐसे जो है अभी खत्म हो चुके हैं यूपीएससी में. जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया है, फोकस जो है अभी दैट इज ऑन फिलोसॉफिकल ऐसे. बेसिकली यहाँ पे कैंडिडेट की मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने का जो तरीका है, नजरिया है, वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं. और जो बेसिकली जीएस टाइप के एसेज हैं वो अब नहीं पूछे जा रहे हैं. तो बहुत सारी जो टेक्निक्स हम लोग लगाते हैं जैसे कि पेस्टल टेक्निक है या फिर टेम्पोरल सेक्टोरल एनालिसिस हैं, वो यहाँ पे लगानी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं. कुछ एसेज में लग रही हैं बट मोस्टली एसेज में यहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं. सो और अगर आप लगाएंगे भी तो बड़ा जीएस टाइप साउंड करेगा. सो अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नई अप्रोच को जो है फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर गाइस. चलिए सो जो मैंने आपको ओवरऑल फिलोसॉफिकल एसे बताए थे गाइस, तो मैंने उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया था पिछले सेशन में बताया था. एक एसे जो है वो यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट से होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट से. इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट जो है वो इंसान को फोकस करता है, उसके अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक सेल्फ डिस्कवरी को, उसके एटीट्यूड को, उसके हार्डवर्क को, उसकी इंडिविजुअलिटी, ड्रीम, गोल्स, ऑप्टिमिज्म को, विजडम को, इन सब चीज़ों को फोकस करता है. ये जो है कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको उस एस्से में या जो इंडिविजुअलिस्टिक टाइप के एस्से हैं उसमें डालने होते हैं या वो पूछे जाए होती है, पूछे गए होते हैं, वो फोकस किए होते हैं. ठीक है, सेंट्रल आर्गूमेंट इनके आसपास में घूम रहा होता है. और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट्स के, जैसे कि फेटलिस्टिक एटीट्यूड होना, डिफीटिस्टिक एटीट्यूड होना, प्रोक्रेस्टिनेटिंग होना, डिसऑनेस्टी होना, एनवी होना. ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इंडिविजुअलिज्म की या इंडिविजुअलिस्टिक एस्से की, जो कि हम लोग को जनरली देखने को मिलती हैं एसे के अंदर, या हम जो लिखते हैं बेसिकली एसे के अंदर, आइदर पॉजिटिव पॉइंट्स में ये चीजें डालेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स में ये चीजें डालेंगे. सो काइंड ऑफ एक आपको मैं यहां पे एक टेम्पलेट दे रहा हूं कि आप इनको यूज कर सकते हैं इन योर एसे गाइस. तो जब भी आप सोचोगे इंडिविजुअलिस्टिक एसे को तो आप ये एरियाज को पहले दिमाग में सोचना है और फिर उस हिसाब से आपको अपना एसे बुनना है. ठीक है जी. सिमिलरली यूनिवर्सलिस्टिक एसेज हैं जो कि जनरली फोकसिंग ऑन सोसाइटी, सोशल इशूज, सोशल एथिक्स, कलेक्टिविज्म, अगेन बिगर देन द सेल्फ प्रोजेक्शन या फिर ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के ऊपर, जैसे पीस, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस, मेरिटोक्रेसी, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं. कुछ इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और कुछ इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑटोक्रेसी, कन्फ्लिक्ट, जिंगोइज्म, शोविनिज्म, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है यूनिवर्सलिस्टिक एसेज फोकस कर रहे होते हैं. ठीक है जी. सो हम लोग जो है डायरेक्टली चलते हैं अपने एसे के ऊपर, वहाँ पे आप इन चीज़ों को अप्लाई होते हुए देखोगे और आई एम श्योर आप जो है इनसे सीखोगे भी एंड यू विल बी एबल टू राइट गुड एसेज. सो हम लोगों ने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वही हम लोग ले रहे हैं. दो पेपर 20 और 21 का जो पेपर है, अपना 21 और 22 का पेपर है जो वो हम लोगों ने लिए हैं. और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं मेन्स के किस तरह से एसे पूछे जा रहे हैं, जिनको मैंने इंडिविजुअलिस्टिक एसेज के अंदर एंड यूनिवर्सलिस्टिक एसेज के अंदर दी है, डिवाइड किया है. पिछले टाइम में या पिछले जो सेशन है उसके अंदर हमने बेटर प्रैक्टिस दे रहा, बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये एक ऐसे किया था और आई एम श्योर आपके आपने उसको किया भी होगा. मुझे एक दो जो है इसकी स्क्रिप्ट्स भी आई हैं एंड देन दैट इज़ वेरी वंडरफुल. ये स्क्रिप्ट भी मैं जो है चेक करके एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, इन स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं किन्होंने अच्छा लिखा है, किन्होंने नहीं. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक यूनिवर्सलिस्टिक एसे की. और यूनिवर्सलिस्टिक एसे में हम लोग लेंगे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एसे जो कि
आई गेस 2021 में पूछा गया था और बहुत ही कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है. द रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज लियर, बिकॉज ये एक ऐसे है जहाँ पे कि आप जो भी उस टाइम की हम लोगों ने दिमाग लगाया था ना कि पेस्टल लगाएंगे, टेम्पोरल सेक्टर एनालिसिस लगाएंगे, वो यहाँ पे नहीं लग रहा है. दैट इज़ वाई ये ऐसे मैंने चूज किया है. इट इज़ अ डिफिकल्ट ऐसे एंड लेट अस ट्राई टू अनरेवल इट एंड लेट अस ट्राई टू राइट इट डाउन. एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, आप इसको लिख सकते हैं तो जरूर लिख के दिखाइए गाइस, ठीक है जी. सो इस तरह सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे. मेरा आइडिया यहाँ पे ये है कि हम फिलोसॉफिकल एसेस को समझें, कैसे लिखना होता है, क्या आइडिया होता है उसका, सो दैट आप लोगों को जो है बेनिफिट हो सके गाइस. चलिए, सो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल. बहुत ही ब्यूटीफुल एसेस के ऊपर लिखा जा सकता है, बट आपको अगर उसका सेंट्रल थीम समझ में आ जाए तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई आपको क्या करना होता है एसे के लिए. सेंट्रल थीम आपको एसे का सेंट्रल थीम पकड़ना है, देन उसके ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, एंड देन उसके बाद आपको जो है ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद उसका आउटलाइन बनाना है, सो दैट हम लोग एसे के लिए रेडी रहें, ठीक है. ये मैंने पहले सेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं. बहरहाल हम लोग चलते हैं अपने एसे के ऊपर गाइस. सो क्वेश्चन इज द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल. सो बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल बात कर रहा है ये. वॉट इज रियल है ना, इसको आपको सेंट्रल थिंग को समझने के लिए आपको क्वेश्चन करना है कि रियल क्या होता है. वट मैंने बताया था आपको कि वट वाई एंड हाउ के साथ मल्टीप्लाई करना है अपने आपको टॉपिक को, और इससे आपको जो है बहुत सारे वर्ड्स या बहुत सारे जो है आपको लाइक आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे इसके सेंट्रल आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए. सो रियल, वॉट इज रियल, ठीक है जी, क्या है रियलिटी, क्या है. मे बी दैट रियलिटी इज समथिंग दैट इज सीन, दैट इज परसीव्ड बाय अवर सेंसेस, ठीक है. सेंसरी ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ आती है उसको हम लोग रियल बोल देते हैं, ठीक है जी. आपकी आंखें जो देख सकती हैं वो रियल होता है, आपकी कान जो सुनते हैं वो रियल होता है, आपके स्किन जो महसूस करती है, आपका नोज जो स्मेल कर रहा है, दैट इज रियल, है ना. सेंसरी ऑब्जर्वेशन को हम लोग रियल मानते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच इज देयर, विच इज यू कैन से दैट दिस इज रियलिटी, दिस इज नॉट सम मेटाफिजिक्स, दिस इज रियलिटी, है ना. एंड रैशनल, रैशनल क्या होता है. रैशनल इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन अ लॉजिक, विच इज बेस्ड ऑन रीजन, कि भाई कोई लॉजिक लग रहा है, अगर ये होगा तो ये होगा. दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन, समथिंग विच इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल, समथिंग विच वी से दैट एक्स प्लस वाई विल इक्वल बी इज विल इट विल बी इक्वल टू जेड. तो दिस इज लॉजिक एंड रीजन लगना, ठीक है जी. एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनना, एक 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 तरह से एक इस तरह के प्रिंसिपल बनना जो किसी चीज को, किसी लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज रैशनल, है ना. सो बहुत ही ब्यूटीफुली ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ये एक इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में बात कर रहा है कि किस तरह से रियल वर्ल्ड और रैशनैलिटी जो है वो इंटरकनेक्टेड है, एंड कैसे जो रीजन है इट इज सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट एंड द कंक्रीट, ठीक है जी. हमारी रियलिटी को क्या चीज शेप करता है, हमारी रियलिटी को शेप करता है जो, क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड है, आपके आसपास में सारा वर्ल्ड है, तो आप उसका एक सेंस बनाने की कोशिश करता है. ह्यूमन बीइंग इज इनक्विजिट बाय नेचर, और वो उसका एक सेंस बनाने की कोशिश करता है, और सेंस तभी बनेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट है सेंस, मतलब वर्ल्ड जो है हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट है, बट उसका सेंस तभी बनेगा जब उसको हम लोग रैशनली लॉजिकली देखने की कोशिश करेंगे, और तब जो हमारी रियलिटी शेप होगी, कॉम्प्रीहेंडिंग रियलिटी शेप होगी. दैट इज वॉट दिस एसे इज टॉकिंग अबाउट इन वेरी वेरी ब्यूटीफुल एसे. इट एक्सप्लोर्स द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द रैशनैलिटी, ठीक है जी. बेसिक आइडिया इज द इंटरकनेक्टेडनेस और द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड रैशनैलिटी, कि किस तरह से दोनों जो है सिम्बियोटिक है, कैसे आपको जो है रियलिटी जो परसीव होती है वो रैशनल है, ठीक है जी. फॉर इंस्टेंस एक बच्चा होता है, बच्चे को अगर आप बॉल ऊपर फेंकोगे और वो बॉल नीचे आता है, वो बॉल उसे पकड़ता है, ठीक है, तो ही नोज कि भाई बॉल जो ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, जो चीज़ ऊपर जाती है नीचे आती है, बनती है ना, कि दैट बिकम्स रैशनैलिटी, दैट बिकम्स लॉजिक एंड दैट बिकम्स द रियलिटी, है ना. सो दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, एंड इट इज़ बेसिकली द नेचर ऑफ रियलिटी इज इनहेरेंटली रैशनल. जो भी रियलिटी है वो इनहेरेंटली रैशनल है, एंड रैशनैलिटी के थ्रू जो है हम लोग रियलिटी को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, और वर्ल्ड को जो है कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, उससे नेविगेट कर सकते हैं. एंड फाइनली सेंट्रल थीम में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से ये फिलोसॉफिकल प्रपोजिशन दैट रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल, ये कैसे अलग अलग फील्ड में इन्फ्लुएंस करता है. साइंस की बात करो, बायोलॉजी की बात करो, मैथमेटिक्स की बात करो, एथिक्स की बात करो, सोशल थाट के बारे में बात करो, फिलोसफी के बारे में बात करो, किस तरह से रैशनैलिटी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, और कैसे रियलिटी रैशनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, ये बेसिकली आपका सेंट्रल थीम है, और इससे किस तरह से ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग निकल के आ रही है गाइस. सो ये आपका जो है ब्रॉड सेंट्रल थीम है, आई होप आप लोगों को समझ में आया. अब हम चलते हैं क्विकली ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ. ब्रेनस्टॉर्मिंग वो आपका काम खुद का है,
जो मैंने ब्रेनस्टॉर्म करके आउटलाइन बनाया है हम उसको देख लेते हैं फटाफट से, और इसी लाइन पे आप जो है अपना एसे लिख सकते हो, या अगर आपको सेंट्रल थीम के हिसाब से कुछ बेटर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है तो आप उससे कर लेना, ठीक है जी। बट अगर आप इफ यू चूज टू बी लाइक सी व्हाट आई एम डूइंग, आप जो है इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आउटलाइन। सो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऑब्वियसली आउटलाइन में आएगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करवा रहा मैं यहाँ पे, आई एम जस्ट गिविंग यू द आउटलाइन, ठीक है। सो आउटलाइन नंबर वन इज दैट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस जो सेंट्रल आइडिया है, इसका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, उसको जो है किसी स्टेटमेंट के थ्रू, किसी एग्जांपल के थ्रू, किसी स्टोरी के थ्रू ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। सो हियर मैं जो एग्जांपल लूंगा दैट विल बी जियोसेंट्रिसिज्म। सो मेरा आइडिया बेसिकली ये है कि भाई किस तरह से हम लोग अपने पुराने टाइम में हम लोग बोलते थे अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, विच इवेंचुअली टर्न आउट टू बी रॉन्ग बिकॉज कुछ लोगों ने रैशनली सोचने की कोशिश करी, ठीक है जी, एंड इवेंचुअली दे केम आउट विद लॉट ऑफ लॉजिक एंड रीजन, रैशनैलिटी लगाई, थियरीज लगाई, और हमने देखा कि भाई अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। तो किस तरह से बेसिकली रैशनैलिटी जो है वो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं हेल्प करती है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करती है। उन लोगों को, उस टाइम के लोगों की रैशनैलिटी जितनी थी, उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी बनाई। जैसे जैसे हमारा होराइजन वास्ट हुआ, हमारी रैशनैलिटी, हमारे लॉजिक करने के जो जो अंडरस्टैंडिंग या हमारे लॉजिक करने की कैपेबिलिटी वो वाइड हुई, तो हम लोगों ने जो और बड़े नेचुरल लॉस हैं, इनवेरिएबल लॉस हैं, उनको देखने की कोशिश करी है। तो यहाँ से मैं कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से मैं आई विल ट्राई टू ड्राइव होम दैट हाउ सिग्निफिकेंट इज रैशनैलिटी, एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट बी हाउ रैशनैलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग में रैशनैलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टॉक अबाउट रैशनैलिटी होता क्या है, लॉजिक रीजन होता है किसी चीज को देखने का, एंड किस तरह से हमारे परसेप्शन को शेप करता है। जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल लिया, तो मैं शायद यहां पे वो एग्जांपल लूंगा कि भाई कैसे एक छोटा बच्चा जो है वो उसको जब कोई हम कोई गेम खेलते हैं, या एक छोटा बच्चा बॉल पकड़ रहा है, या कुछ इस तरह की चीजें करते हैं, तो उसमें देखो क्या है, हम लोग लॉजिक एंड रीजन लगाते हैं। हम लोग बेसिकली कोई चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे आती है, तो दैट इज द थिंग दैट इवेंचुअली शेप्स आर नॉलेज, है ना, कि भाई हम लोग को पता चलता है कि भाई कैसे वर्ल्ड चल रहा है। सो दैट आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट हियर, एंड देन उसके बाद हाउ रियल वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय रैशनैलिटी, आई विल ट्राई टू से दैट, एंड आई विल ट्राई टू कोट एज मेनी एग्जांपल्स इन पॉसिबल, जैसे कि किस तरह से नेचुरल नेचर जो है वो रैशनल लॉस, यूनिवर्सल लॉस को फॉलो करती है। वी कैन टॉक अबाउट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, वी कैन टॉक ऑफ ऑल द साइंस, जैसे मैथमेटिक्स, वी कैन टॉक ऑफ पाइथागोरस, ठीक है ना। आप जितने भी आर्किटेक्चर देखते हो तो आर्किटेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम प्लेज अ वेरी वेरी की रोल, है ना। सिमिलरली फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ, देन आइंस्टाइनियन लॉस, अगेन किस तरह से इसने हमें एस्ट्रोनॉमी को समझने में, हमारा प्लेस यूनिवर्स में समझने का हेल्प किया है, दैट वी विल बी ट्राइंग टू टेल। सो इससे बेसिकली पता चलेगा कैसे रियल वर्ल्ड इज अंडरस्टूड थ्रू रैशनैलिटी, ये चीजें बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, और ना सिर्फ इस तरह कि ये वाइस वर्सा भी काम करता है, कि किस तरह से रैशनैलिटी जो है वो एक रियलिटी को समझने के लिए हेल्प करती है, ठीक है जी। दोनों तरफ है, वाइस एंड वर्सा काम चलता है। ये जो आपका रियलिटी है वो रैशनैलिटी से निकलती है, और रैशनैलिटी रियलिटी से निकलती है, ठीक है जी। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगेन डिफरेंट फिनोमिनाज विल ट्राई टू से कि भाई फॉर इंस्टेंस हमने कोई लॉजिक लगाया, उस लॉजिक को एक्सटेंड किया और हमें रियलिटी और डीपली पता चली, जैसे कि डार्विन की थ्योरी है एवोल्यूशन की, ठीक है जी। उन्होंने देखा कि किस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन की थ्योरी बनाई, और वो थ्योरी जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन में भी लगाई है, एंड इवेंचुअली ही वाज सक्सेसफुल अबाउट इट, है ना। तो इस तरह की जो रैशनैलिटी है, मतलब कि इस तरह के जो एरियाज हैं, इनको हम लोग, या बेसिकली आइडिया की रैशनैलिटी किस तरह से टूल बन रहा है टू अंडरस्टैंड रियलिटी, दैट वी कैन इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देन नॉट ओनली इन साइंसेज, ऑल्सो इन आर्ट, इन इमेजिनेशन एंड इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, कैसे जो है रैशनैलिटी प्लेज अ की रोल, ठीक है। अगर आप आर्ट की बात करो, अगर आप इवन फिलोसफी की बात करो, थॉट प्रोसेस की बात करो, उसमें भी रैशनैलिटी लगती है, ठीक है जी। आर्ट में अगर आप बात करोगे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने दे टेक अ पर्टिकुलर, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स टू हाईलाइट देयर इमेजिनेशन। लियोनार्डो डा विंची की बात की जाए तो ही विट्रलिस मैन के बारे जो उन्होंने पेंटिंग बनाई, हाउ सिमेट्रिकल इट वॉज, हाउ मैथमेटिकली ब्यूटिफुल इट वॉज, है ना। तो इस तरह से यू कैन सी आर्ट, आर्किटेक्चर, इवन ह्यूमन इमेजिनेशन, हाउ इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैशनैलिटी, ठीक है जी। जैसे सॉक्रेटिस है, सॉक्रेटिस ने डायलेक्टिकल लॉजिक लगा के, रैशनैलिटी लगा के, ही ट्राइज टू क्वेश्चन दी मोस्ट जो फॉर ग्रांटेड चीजें थी उनको
क्वेश्चन करने की कोशिश करी। मिडिवल थिंकर्स की मैं बात करूँ तो वोल्टेयर हैं, लॉक हैं, इन्होंने बात करी कि भाई जो चीज़ हमें दिख रही है उस चीज़ को क्वेश्चन किया जाए, उसको जो है उसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश किया जाए। ठीक है जी, पूरे जो अभी हम मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन रैशनैलिटी ओनली, है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी इमेजिनेशन ऑफ द रेनेसा थिंकर्स। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे, किस तरह से ये चीज़ें इवन आर्ट में, इमेजिनेशन में, फिलॉसफी में, थॉट में किस तरह से देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ रैशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गवर्नेंस, है ना। देन अब बात करिए लाइक देर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, इकोनॉमी में हम लोगों ने रैशनैलिटी लगाने की कोशिश करी, एंड देन केम यू कैन से दी स्मिथियन थियोरी ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकली हैं, अगेन थ्रू रैशनैलिटी और रैशनली ऑब्जर्विंग दी सोसाइटी, है ना। इस तरह से मैं इसको जो है लेके जाने की कोशिश करूंगा, एंड फाइनली आई विल ट्राई टू कंक्लूड। ठीक है, सो कंक्लूजन मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, कंक्लूजन आप लोगों के ऊपर है, मैंने पिछले एसे में भी ये किया था, कंक्लूजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। सो कंक्लूजन यू कैन राइट बाय योर ओन वर्ड्स, एंड आई वुड लव टू सी हाउ इनोवेटिव यू पीपल गेट थ्रू कंक्लूजन, सो डेफिनेटली डू दैट। कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग के और आइडियाज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कोट्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कोट्स हैं, सो आई हैव रिटन सम ऑफ द कोट्स, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन कोट है कि द रैशनल माइंड इज द सर्वेंट, द इंट्यूटिव माइंड इज द गिफ्ट, वी हैव क्रिएटेड सोसाइटी दैट ऑनर्स द सर्वेंट एंड हैज फॉरगॉटन द गिफ्ट। तो इस तरह के रीजन इज द फाउंडेशन ऑफ बोथ नॉलेज एंड मोरालिटी, कांत का है, रीजन इज द मिस्ट्रेस एंड क्वीन ऑफ थिंग्स, सिसेरो, ठीक है जी, एंशियंट ग्रीक, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज रीजनेबल, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, डायलेक्टिक्स की बात करते हैं हीगल। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे कोट्स आप यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो, हाउ रियल इज रैशनल, हाउ रैशनल इज रियल। एग्जाम्पल आप एस्ट्रोनॉमी में किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, हाउ वी फाइंड आर प्लेस इन यूनिवर्स, हाउ वी नो द यूनिवर्सल फिनोमिनास, हाउ अ स्टार इज बॉर्न, हाउ अ स्टार एक्सप्लोड्स, ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम रैशनैलिटी। ठीक है जी, आर्ट एंड रैशनैलिटी, जैसे मैंने लियोनार्डो डा विंची के बारे में बात करी, ठीक है जी, सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट हु यूज रैशनैलिटी और हु यूज रैशनल एस्पेक्ट्स टू फाइंड आउट रियल एंड टू फाइंड आउट देयर इमेजिनेशन। ठीक है, बायोलॉजी एंड रैशनैलिटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको डार्विन का एग्जांपल दिया, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स वी कैन ऑलवेज टॉक ऑफ। ठीक है जी, थॉट एंड रैशनैलिटी जैसे मैंने बात करी, जो एंशियंट थिंकर्स हैं लाइक आप बात करिए कौटिल्या के अर्थशास्त्र की बात करें, या फिर हम लोग बात करें इवन मॉडर्न टाइम्स में अगर बात करें तो वी कैन टॉक ऑफ लॉट ऑफ थिंकर्स, है ना, जैसे रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वी कैन टॉक ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर थॉट द सोशल थॉट ओवरऑल हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय रैशनैलिटी, है ना। सो यू नीड टू फाइंड दीज एग्जाम्पल्स, यू नीड टू पुट देम इन द स्कीम और द आउटलाइन जो हमने डाला है, एंड उससे जो है यू हैव टू राइट 1000 to 1200 वर्ड्स। सो ये कुछ वर्ड लिख के जो है मैंने ऑलरेडी ऐसे डाल दिया है वहाँ पे, मॉडल ऐसे डाल दिया, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट इट, लिख के भेजो, आई वुड लव टू सी योर कंक्लूजन किस तरह से डालने की कोशिश की, इवन इफ यू हैव गुड इंट्रोडक्शन प्लीज़ राइट इट डाउन, वुड लव टू सी दैट। सो देन मिलेंगे हम नेक्स्ट एसे में गाइज, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट, एंड इफ गुड नंबर ऑफ एसेज कम आई एम गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन ऑल्सो वेयर वी कैन डू दिस लाइव एक्सरसाइज, जहाँ पे हम लोग एसे लिख रहे हैं गाइज। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।